सडनली क्लाइमेट पूरा चेंज और बारिश का जो है माहौल बन रहा है। और ये देखो पूरा बादल छा गया और हम निकले हैं आज अपनी वैलेंटिनो को लेकर। अब फिलहाल हम जाएंगे थोड़ा सा चाय वगैरह पियेंगे, थोड़ा सा मज़ा मस्ती करेंगे और देखेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा सा बारिश में भीगने का। अब बारिश जो है ज़ोर से शुरू हो गया। भैया भाई चलो बैठो नहीं पहले बोझ भी को था, चलो निकलते हैं, बारिश हो गया है शुरू। गाइज गर्मी इतना ज़्यादा ना, अगर आप गौर से देखोगे ना, आप देखो रस्सी से धुआं उठ रहा है इतना गर्म के बाद। अभी जो बारिश गिर रहा है आप देख सकते हो, देखो पूरा धुआं उठ रहा है। देखो वहाँ पर भी आप देख सकते हो भाप जो है उठ रहा है यहाँ से यहाँ। और मेरे वैलेंटिनो का फर्स्ट रेन शावर है जहाँ पर वो बारिश में भीग रहा है, तो इसे जो है मैं करूँगा आज वॉश। वॉश करके इसको पूरा मैं आज क्लीन कर लूँगा। फिलहाल अभी आए हैं हम यहाँ पर हमारे चाय सेंटर पे, चाय वगैरह पियेंगे और संडे का जो है हम मज़ा लेंगे। तो फिलहाल वैलेंटिनो को हम थोड़ा सा शावर लेने देते हैं। यार बारिश के वक्त चाय, बारिश गिर रहा है यार, देखो उसमें बारिश गिर रहा है। अभी हम पी रहे हैं कुछ कुछ ड्रेस का ना, अलग ही मज़ा रहता है। चाय हो गया, ड्रिंक्स हो गए, बारिश के टाइम पीते हुए पीना बहुत मज़ा आता है। इधर अच्छे हो सकता है कि वॉल्यूम में दिक्कत आ सकता है क्योंकि इतना ज़्यादा जोर से बारिश गिर रहा है, आवाज़ भी आपको तो सुना नहीं देगा। फिलहाल मैं अपना पी लेता हूँ चाय, चाय ख़त्म करता हूँ। धीरे देखते हैं कि आज के ब्लॉग में हम और क्या क्या करेंगे। काफ़ी सारे प्लान है मेरे, गाड़ी मुझे वॉश करना है, कुछ हेलमेट के ऊपर मुझे कैमरा माउंट करना, तो मुझे देखना है कि किस हिसाब से मैं कर सकता हूँ, ये सब चीज़ आप करेंगे। बारिश चालू हो गया, काफ़ी ज़ोर से थंडरिंग वगैरह हो रहा था, तो इस सब बारिश में बाहर निकलना है काफ़ी रिस्की लगता है यहाँ पर। और मानसून का सीज़न जो है यहाँ पर भी जो है स्टार्ट हो गया, बट यहाँ पर जो है ना फ्रीक्वेंटली बारिश नहीं हो रहा है। बट अगर आप अदर स्टेट्स में देखोगे, असम हो गए, पास में बांग्लादेश है, वहाँ पर भी आप देखोगे कि फ्लड सिचुएशन चल रहा है, यहाँ पर उतना बारिश जो है गिर नहीं रहा है। ये सिर्फ इसे हम यूजुअली कहते हैं कपड़ा भिगाओ बारिश, जो हार्डली 5 मिनट 10 मिनट होगा, उसके बाद ही हो जाएगा बंद, फिर उठेगा गर्मी। यही हाल चाल है यहाँ का। और ये अभी मैंने, मेरा 1 मंथ भी नहीं हुआ ये पूरा जो है मैंने क्लीन कराया था, बट फिर से आप देख सकते हो पूरा फिर से भर गया, फिर से इसे क्लीन कराना होगा एवरी मंथ। बारिश के टाइम पर यही एक मतलब है, ये देखिए थंडरिंग हो रहा है। बारिश में बाइक लेके घूमने ना मज़ा आता है, भीगने में मज़ा आता है, बट घूमने फिरने के बाद जब वो कीचड़ हो जाता है ना बाइक में, तो उसे सर्विस करना जान पे आता है, वॉलेट पे आ जाता है। क्योंकि जब आप बाहर सर्विस कराते हो तो 100-200 रुपये तो सर्विस वाला तो ले ही लेता है, घर में भी अगर आप करोगे तो भी उतना प्रॉपरली होता नहीं है। एग्जर्शन तो होता ही है, प्रॉपर क्लीन नहीं होता, और ख़ुद को इतना बुरा लगता है ना कि गाड़ी में पूरा कीचड़ लग गया, या फिर फेयरिंग वगैरह में, या फिर पॉकेट्स वगैरह में, फिर चेन लूप करना बहुत ज़्यादा मतलब वो एज हो जाता है। बट मोर ऑर लेस वाइस वर्सा इफेक्ट होता है इसका, जहाँ पर आप रेन को इन्जॉय भी करते हो, लास्ट में सज़ा भी भुगतते हैं, बट कुछ नहीं कर सकते। और मोस्ट ऑफली ऐसे होंगे कि आगे जाके और भी रेन्स में अगर मौका मिला तो राइड का जो है वीडियोज़ वो भी हम जो है वो शूट करेंगे, और धीरे धीरे जो है काफ़ी कॉन्टेंट हम लाने की कोशिश करेंगे इस बाइक के साथ। और कुछ दिनों पहले एक इंसिडेंट हुआ मेरे बाइक के साथ, किसी ने तो भी जो है मेरे बाइक के टैंक पे काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच
जो उन्होंने कर दिया है। बट ये जो भी लोग ऐसे करते हैं ना, उन सभी के लिए जवाब है कि कभी किसी का नुकसान करके किसी का कोई फ़ायदा होता नहीं है। अगर आप इंटेंशनली कर रहे हो या अनइंटेंशनली, तो ये नहीं होता, इंटेंशनली होता है, बट आप बहुत ही गलत चीज़ कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि कोई आपको देख नहीं रहा है, बट ऊपर वाला जो है ज़रूर देखता है। आप किसी का नुकसान करते हो तो आपको पे बैक जो है वो ज़रूर करना पड़ता है। तो ये जो भी इस किस्म का हरकत करते हैं ना, उन सभी के लिए ये जवाब है कि इस किस्म का हरकत है ना, वो करना बंद करो, क्योंकि इसका जो फल आपको कभी ना कभी उस पर मिलेगा ही मिलेगा। और स्क्रैच वगैरह जो है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जैक्टली वो स्क्रैच कैसा आया है, अब उसे मैं रिमूव कैसे करूंगा वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।